खरगोन पुलिस ने निजी यात्री बस में डीजल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें तीन आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके पास से 400 लीटर डीजल भी जब्त किया है। पकड़े गए आरोपियों ने खड़ी निजी यात्री बस में से 700 लीटर डीजल चोरी किया था। कोतवाली पुलिस थाने में शिकायत के बाद विवेचना करके खरगोन शहर में तीन युवकों को पकड़ा गया है, जिसमें पूछताछ की जा रही है। आरोपियों ने जुर्म कबूल कर 300 लीटर डीजल हाईवे पर ट्रक चालकों को बेचने की बात स्वीकारी है। पुलिस इन लोगों से कड़ी पूछताछ कर रही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ये 26-27 के दरमियानी रात ज्योति नगर पेट्रोल पंप के पीछे बसों से डीजल चोरी की शिकायत हुई थी, जिस पर से हमारे यहाँ अपराध पंजीबद्ध हुआ था और आरोपियों की तभी से लगातार पतारस की जा रही थी। और चूँकि लॉकडाउन खुलने के बाद में ये चोरी की बड़ी घटना थी, हम लोगों ने लगातार टीम बना के शहर में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनके माध्यम से आरोपियों की पतारसी उठाई, जिसमें कुछ हमें सीसीटीवी फुटेज मिले थे, उनके आधार पे आरोपियों को पता करके और उनको हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद में हमने पूछताछ किया दो आरोपियों से, उन्होंने डीजल चोरी करना स्वीकार किया। इनसे हमने करीब 400 लीटर डीजल जब्त किया है, साथ ही एक व्यक्ति जो डीजल खरीदा था उसे भी हमने गिरफ्तार किया है। ऐसे तीन आरोपियों को हमने डीजल चोरी में गिरफ्तार करके आज न्यायालय पेश किया है। सर, ये डीजल चुराकर कहाँ बेचते थे? ये डीजल चुराकर जनरली जो हाईवे पे ट्रक वगैरह चलते हैं तो बाहर से जो गाड़ियाँ आती है उन ट्रक वालों को बेच देते थे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।